कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की स्टेट यूनिट चिंतन मनन में लगी हुई है। बीजेपी अपनी कैडर्स और मतदाताओं का मनोबल और विश्वास फिर से जिंदा करना चाहती है। इसे लेकर पार्टी आलाकमान ने बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर उतरने का फैसला लिया है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता और मतदाताओं के सीधे घर तक जाने का प्रयास किया जाएगा। स्टेट बीजेपी यूनिट 21 जून से 5 दिन का कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसमें बीजेपी के सभी पदाधिकारी यानी पूर्व और वर्तमान विधायक और सांसद शामिल होंगे। इस दौरान पूरे राज्य में 50 लाख घरों का दौरा करने का टारगेट रखा गया है। राज्य बीजेपी के प्रवक्ता एन रवि कुमार ने पार्टी के इस प्लान के बारे में खुद जानकारी दी है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद हर घर बीजेपी है। इसका मतलब है कि बीजेपी के नेता हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर घर जाएंगे ताकि उनमें विश्वास जगाया जा सके। इस दौरान उन्हें पार्टी की सफलता के लिए कड़ी मेहनत को लेकर प्रेरित किया जाएगा। कुछ वक्त पहले हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। राज्य के 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से बीजेपी को 65 सीटें ही मिली, जबकि कांग्रेस को 136 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी नेता रवि कुमार ने बताया कि पार्टी के सीनियर नेता 6-7 गुटों में राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान गांव-गांव जाकर हर एक घर तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे नेता सभी जिलों में जाएंगे और हर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान हमारी उपलब्धियों और पिछली बीजेपी सरकार की ओर से किए गए काम के बारे में भी बातचीत की जाएगी। ये जानकारियां घर घर पहुंचाने की कोशिश होगी। साथ ही लोगों को इस बारे में भी बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों को किस तरह से बढ़ावा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनता से सीधे फीडबैक लेने के बाद नया खाका तैयार किया जाएगा। ये ब्लूप्रिंट कर्नाटक में बीजेपी के लिए जीत के फॉर्मूले के रूप में सामने आएगा। मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक आलाकमान तक भी ये फीडबैक पहुंचाया जाएगा। इससे ये समझने की कोशिश होगी कि बीजेपी की ओर से लागू किया गया कौन सा कार्यक्रम सही नहीं था या फिर किस योजना से जुड़ी सही जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंचाई जा सकी। इसके आधार पर आगे इसमें सुधार किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों और पहलों को उजागर करते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।